हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं घंटों का काम मिनटों में करने वाली ट्रिक लेके आई हूँ और आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ों को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। इनकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जीरा लूँगी। ये देखिए, आप इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, आप कितना भी जीरा ले सकते हैं, एक कटोरी, आधी कटोरी, कितना भी। इन्हें हमें स्टोर करना है। ड्राई रोस्ट करा है, देखिए मैंने धीमी आंच पर, और इसका देखिए कलर चेंज होने तक मैंने इसको भून लिया है। हल्की खुशबू आने लगी है, गैस मैंने बंद कर दी है। और ये देखिए, हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, ये ठंडा नहीं होना चाहिए ये जीरा। और देखिए इस तरह से मैं इसको बेलन से, देखिए इस तरह से हम इसको दबाते हुए इसको पीस लेंगे। ये देखिए दरदरा दरदरा, इसको किसी मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा भुना जीरा देखिए एकदम रेडी है। आप कभी भी किसी भी टाइम रायते में डालें, दही बड़े में डालें, ये एकदम तैयार मिलेगा आपको। और आप इसको एयरटाइट डिब्बे में भर के काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसको जार में भर दिया है और ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। सब्ज़ी में डालें आप चाहे, किसी भी चीज़ में डालें। तो चलिए गाइज, अब हम बनाते हैं हमारा भुना कोटा मसाला। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ कि भुना कोटा मसाला डालिए, तो ये वही है। इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, और ये मिर्ची है, दालचीनी है, धनिया ले लिया है, और इसमें जीरा ले लिया है। ये दो दो चम्मच है धनिया और जीरा, और बाकी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं। सो गाइज, देखिए इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे कढ़ाई में डाल करके, और इसको धीमी आँच पर हल्का सा खुशबू आने तक बस भूनेंगे। इसको जलाना नहीं है, खुशबू आने तक बस भूनना है हमको। 2 से 3 मिनट तक बस ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। सो गाइस, इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करके रख लेते हैं। तो आप कभी भी किसी भी टाइम, कभी कभी एक चुटकी की ज़रूरत होती है डालने की, कभी हाफ टी स्पून की, तो इतनी सी चीज़ के लिए आपको पूरा पूरा पीसना पड़ता है। तो देखिए यह सब हमारा तैयार रहेगा, तो कभी भी किसी भी टाइम आप इसमें सब्जियों में डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, वो भी दरदरा, इसको दरदरा ही करना है। देखिए इस तरह से एकदम जब मुँह में आता है किसी भी सब्जी में जब हम डालते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आता है। तो देखिए गाइज, इस तरह से हम इसको भुना कुटा मसाला तैयार कर लेंगे। सो गाइज, ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। ये देखिए कुछ में ड्राई फ्रूट हैं, कभी कभार हम हलवा में या फिर खीर में डालते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए कुछ ड्राई फ्रूट को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, ये एक एक मुट्ठी हैं, आप देख सकते हैं मैंने मुट्ठी से नाप के डाला है। 2 मिनट तक बस इसे रोस्ट करें और धीमी आंच पर ही ये सारी चीज़ें रोस्ट करनी है। देखिए हाथ से मैं छू रही हूँ, हल्का गुनगुना है, बस गैस बंद कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से आपके पास ड्राई फ्रूट कटर तो होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, चाकू से आप छोटा छोटा पीस में कट करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं कटर के अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट को डालती जाऊँगी थोड़े थोड़े करके, और थोड़े थोड़े करके इनको क्रश करती जाऊँगी। सो गाइज, आप देखिए ये घंटों का काम हमारा मिनटों में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि खीर में, दूध में, हलवे में कभी भी हमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो बस ये तैयार होगा तो कभी भी आप थोड़ा सा ऊपर से भुरक दें। सो गाइज, इसको देखिए मैंने इस तरह से ड्राई फ्रूट कटर से मैंने इस तरह से स्लाइस में कट करके रख दिया है। ये सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है हमारी किचन की में। तो गाइज, इसको भी आप इसी तरह से रोस्ट करके और कट करके इस तरह से हम रख देंगे। और ये देखिए कितने सारे हमारे ड्राई फ्रूट तैयार हो गए हैं। कभी भी किसी भी टाइम आप खीर, हलवा या किसी भी चीज़ में आप डालें, तैयार मिलेगा आपको। ये देखिए इस तरह से मैं इसको भी एक जार में भर के रख दूंगी। इस तरह से सूखे जार हूँ एकदम, आप ध्यान से देख लीजिएगा, जार एकदम सूखा होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, कपड़े से अच्छे से पोंछ के और धूप दिखा देनी चाहिए सारे जार को, और फिर ये काफ़ी दिनों तक इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सो गाइज, अब आती है बारी हमारी ब्रेड क्रम्स बनाने की। सो गाइज, कटलेट हों, पकौड़ी हों या डोनट हों, किसी में भी बाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है हमारे ब्रेड क्रम्स की। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे का ब्रेड ज़्यादातर बच्चे खाते नहीं हैं, या हमारे यहाँ ज़्यादातर ये छोड़ दिए जाते हैं, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप बीच वाले ब्रेड भी सारे ले सकते हैं। सो गाइज, मैं इसका यूज़ बताऊँगी। ये ऊपर नीचे का ब्रेड है, ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते हैं इसको। देखिए हम गर्म तवे पर इसको रख देंगे, इसको ऊपर नीचे हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और इसको हम फिर तवे पर ही छोड़ देंगे तो अच्छा सा करारा सा हो जाएगा हल्का सा। ये देखिए, तो गाइस देखिए मैंने इसको तवे पर छोड़ दिया है, फिर ये देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है, फिर हम इसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस, आप देखिएगा एकदम से बढ़िया सा हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है। आप इसको कभी भी किसी भी टाइम पकौड़ी, कटलेट किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर 1 चम्मच या 2 चम्मच डालना होता है, तो कभी भी यूज़ करिए। अब बारी आती है गाइज़, ये देखिए मिक्स दाल बनाने की। आप देखिए सभी घरों में मिक्स दाल ज़रूर खाई जाती है, और नहीं खाई जाती है तो आप इस तरह से एक बार बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली दाल। हमारे घरों में ज़्यादातर 5 तरह की दाल आती ही आती हैं। मूंग दाल है इसमें हरी वाली, काली वाली, उड़द दाल है, अरहर है इसमें, चना की दाल है, और लाल वाली मसूर की दाल है। सो गाइज, इन सारी दालों को बराबर मात्रा में आप ले लें
और इनको एक मिला करके अच्छे से एक डिब्बे में भर के रखते हैं। सो गाइस कभी भी किसी भी टाइम आप निकालें अपने अंदाज के अनुसार और दाल को बना लें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये देखिए हमारे पास है अब चीनी, पीसी चीनी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है घर में, बच्चे केक मांगते हैं कभी लस्सी में तो कभी रूह अफ़ज़ा में कभी शरबत में, हर चीज़ में पीसी चीनी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो गाइस इस तरह से चीनी को हम पीस के रख देंगे। इसी तरह से गाइस देखिए मैंने कितने सारे आइटम मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, इतना सारा मैं अगर आपको बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। सो गाइस मैं अब इसको इसी तरह से मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊँगी। ये देखिए ये है हमारा भुना वाला जो मसाला था जो मैंने आपको बताया था, भुना वाला गरम मसाला। सो गाइस ये देखिए ये वो वाले ड्राई फ्रूट हैं जो हमने कट करके रखे थे। ये है हमारा पुदीना और जीरा का रायता वाला जो मसाला होता है वो है ये, और पुदीना को मैंने धो के सुखा लिया था और जीरा को भून लिया था, इसी में हींग को, और इस तरह से मैंने रायता मसाला तैयार कर लिया था। ये हमारा भुना जीरा है और ये हमारा ड्राई फ्रूट वाला पाउडर है, इसको भी मैंने तैयार करके रखा है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली है और फिर से मैं अभी और डालूंगी। और ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे बनाए थे। सो गाइस क्या यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, कभी भी ऊपर नीचे पकौड़ियों में कटलेट में लगाना पड़ता है। ये देखिए हमारी दालचीनी है, मैं दालचीनी को भी इसी तरह से भून के और इसको पीस के रख लिया है मैंने, जिससे ख़राब नहीं होगी है। ये मोरिंगा लीफ है जो हमारी सहजन के पत्ते होते हैं वो है ये, और ये है हमारा करी पत्ता। ये देखिए मैं इन सबको हर्बल टी में यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो किसी में भी आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस देखिए मैंने इस तरह से सारी चीज़ों को लगभग बना के रखा है। ये है सौंफ पाउडर, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे सौंफ पाउडर की करेला वगैरह में किसी में भी। ये तुलसी की पत्ती हैं, ज़्यादातर ये सर्दियों के मौसम में सूख जाती हैं तो मैं इसको पहले से ही कट करके सुखा के धो के रख लेती हूँ अच्छे से। सो गाइस ये देखिए सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं, आप देख सकते हैं ये हमारी पीसी चीनी जो मैंने अभी आपके सामने पीसी थी। इस तरह से हम ये घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं अगर आप इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करके और इसको एयर टाइट डिब्बे में अगर आप भर के रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं कोई भी चीज़, और ये हमारी काफ़ी दिनों तक चलती हैं और कभी भी किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दाल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये वही है। सो गाइज ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ मैं इसी तरह से तैयार करके रख लेती हूँ और ये किचन में ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए आप गाइज ये है कॉर्नफ्लेक्स का जो नीचे का जो चूरा बचता है उसको हम फेंक देते हैं, इसको आप ब्रेड क्रम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये है हम कसूरी मेथी बना रही हूँ मैं, ये मैंने 1 से 2 किलो करीबन ये मेथी मैंने इस तरह से सुखा करके पहले भी रखी थी और अभी भी रख रही हूँ मैं। ये देखिए धो के मैंने अच्छे से पानी निचोड़ने के लिए इसको धूप में रख दिया है, अब इसका पानी अच्छे से देखिए निचोड़ गया है तो मैंने अब इसको हल्का सा धूप से हटा के मैं इसको छाया में सुखा लूँगी और ये हमारी बढ़िया सी हमारी कसूरी मेथी खुशबूदार तैयार है। सो गाइस ये देखिए मार्केट में इस तरह से नहीं मिलती है, उसमें अच्छी खुशबू भी नहीं आती है और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा बढ़िया, देखिए क्रंच देखिए कितना अच्छा है। मार्केट वाली तो एकदम सीली सीली सी हो जाती है, ये हमारी क्रंची क्रंची बढ़िया सी कसूरी मेथी एकदम तैयार है। सो गाइस अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टिप्स को फॉलो कर सकें और अपनी किचन में ये रखें। सो गाइस आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से सारी चीज़ों को और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।